देवी जी, लगान के बदले जिम्मेदार के कुत्ते हमारी जिंदगियों से कब तक खेलते रहेंगे? घबराओ मत, जुल्म जब बढ़ जाता है तो खुदा फिरौन के लिए कोई ना कोई भूसा जरूर पैदा कर देता है। मैं अभी जाके डॉक्टर साहब को बताती हूँ। आसिफ, जुबैदा, आसिफ, आज फिर चौधरी के भेड़िए लगान ना देने पर दूसरों की तरह तीनों के बेटे को घसीटते हुए ले गए हैं और वो बेचारा फरियाद करता रहा। उसके लिए कुछ करो। कब तक होता रहेगा ये जुल्म? ये जुल्म कब तक होता रहेगा? मालिक, मालिक। मालिक, मालिक, मेरा बेटा, मालिक मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। रेणु, जिसकी जबान लंबी होती है उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, और तुम्हारे बेटे की जुबान ही लंबी नहीं, दिमाग में बगावत का कीड़ा भी है। जानते हो तीनों ऐसे मरीज का इलाज क्या होता है? आओ, सिर्फ आओ। नहीं मालिक, मेरा एक ही बेटा है। मेरा भी एक ही उसूल है, जो लगान न दे उसकी माफी नहीं, और जो इज्जत न दे उसकी जान नहीं। नहीं मालिक, मैं आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए अपना सारा आपके कदमों में रखता हूँ, अपने आंसुओं से आपके कदमों को धोते हुए इल्तजा करता हूँ। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मेरे बेटे को। मैं अपनी जान बेच कर भी कल तक आपको लगान दे दूंगा। इल्तजा मान जाइए मालिक, मेरे इल्तजा मान जाइए। इल्तजा करने रखा है। ये क्या है डॉक्टर? आइंदा इंसानियत की तौहीन ना करने की कीमत, गरीब का लहू ना चूसने का बयाना, और इस बूढ़े बाप के हिस्से का वो लगान जिसके बस तुमने इसका जवान बेटा छीन लिया है। बहुत हो, यानी आज फिर तुम ही काम आए हो। एक बात तो बताओ डॉक्टर, आखिर इन गरीब लोगों से तुम्हारा रिश्ता क्या है? इंसानियत का जब जो सबसे अजीम रिश्ता है। फिर इंसान तो हम भी हैं। तुम इंसान? हाँ शायद, मगर त्रिंदा सिफत इंसान हो जो दूसरे इंसानों का लहू चूसता है। डॉक्टर, हम तुम्हारे पेशे का अदब ही नहीं करते, तुम्हारा लिहाज भी करते हैं। इसलिए एक बार तुमने हमारा इलाज किया था, वरना ऐसी जुबान रखने वाले की हम दर्द काट दिया करते हैं। मैं तुम्हारा कान खोल कर सुन लो, जिस दिन गरीब एक जान हो गए, शान शौकत, तुम्हारा नामो निशान, सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। कम की मत दो डॉक्टर, हमारे गुस्से से बचो। ये धमकी नहीं है डी के चौधरी, आने वाले वक्त की पेशगोई कर रहा हूं। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी बगावत पेट की बगावत होती है,
सुनो, गरीब के पेट पर लात मारोगे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी इस बात पर सोचना, शायद तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। तीनों के बेटे को छोड़ दो। डॉक्टर साहब, आप इतने अजीम हैं। ना ना, ये आप क्या कर रहे हैं? आइए आइए। आओ मेरा बिस्किट, चाय पी लीजिए। लो बेटे मुझे दो। छोड़िए ना, पानी पी लें। मजलू, देखना बाहर कौन है। डैडी, वो तो बाजार से मेरी किताब लेने गया है, मैं देखता हूँ। नहीं, तुम डरो, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आओ करीम खान, कैसे हो? ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी दोस्ती भी अजीब है। दिन में दो एक बार आपसे मिल न लूं तो सुकून नहीं आता। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। सलाम भाभी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक हूँ। वालेकुम अंकल, आप कैसे हो बेटे? बस ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, दीनू चाचा के लिए आपने जो कुछ किया है उसके बदले में गांव के हर गरीब आदमी की जबान पर आपके लिए दुआ है, लेकिन डी के चौधरी की नीयत आपके लिए ठीक नहीं है। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, उससे आपको होशियार रहने की जरूरत है। जिंदगी और मौत का हिसाब लेने वाला ऊपर बैठा है करीम खान, उसके हुक्म के बगैर डी के चौधरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ना ही मैं अपने सर पे आने वाली किसी तबाही को रोक सकता हूं। चौधरी साहब, स्मगलिंग के इस धंधे को कानून और माशरे के नजरों से बचाने के लिए एक रास्ता सोचा है मैंने। वो क्या? चौधरी साहब, आप अपने समंदर के किनारे वाले बस्ती पर एक 5-स्टार होटल बना दें। इससे क्या होगा? इस होटल की आड़ में हमारा स्मगलिंग का धंधा समंदर के रास्ते से होगा, फिर हमें कोई किसी से खतरा भी नहीं होगा। लेकिन जैकी साहब, 5-स्टार होटल को आबाद करने के लिए बस्ती को बर्बाद करना होगा। ये काम आपके लिए कौन सा मुश्किल है चौधरी साहब? किसी की क्या मजाल जो आपके सामने ऊंची आवाज निकाल सके, है कोई? हाँ, है एक आदमी, डॉक्टर आसिफ। सुनिए चौधरी साहब, मुखालफों की जबान बंद करना और आबादी को बर्बादी में बदलना कैसे होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। लगता है चौधरी बारूद की आग लेकर गरीबों की जिंदगियां छीनने आ गया है, मगर मैं उसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। तुम बच्चों का ख्याल रखो। अरे अरे बेगम, बेगम तुम। मामी। ये क्या? जैकी, ये है डॉक्टर आसफ। मिस्टर डॉक्टर, क्या नाम बताया? डॉक्टर आसफ। हाँ डॉक्टर आसफ, चौधरी साहब के जबानी आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए मैं बताते खुद आपसे मिलने आपके घर जा रहा था।
मौत की तरफ जाने की जरूरत नहीं होती जगे, ये खुद तलाश कर लेती है। जो आग तुमने गरीबों की इस बस्ती में लगाई है, मैं तुम्हें इसी आग में जलाकर राख कर दूंगा। अफसोस डॉक्टर आजम, तुम तो मुझे इस आग में राख नहीं कर सके। अलबत्ता मैं तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की जिंदगी में जो आग लगाऊंगा, उसके शोले तुम्हें कयामत तक नजर आते रहेंगे। शंभो, गरीबों के इस लीडर की खूब खिदमत करो, और जब इसे जैकी पर हाथ उठाने और जबान चलाने का एहसास हो जाए, तो इसके जिस्म में एक गोली बेवस करो और आग में फेंक दो। क्या किया आप डॉक्टर साहब? एक चांद तो क्या, हजार जाने भी होती आप पर कुर्बान कर देता, कुर्बान कर देता। दिन बाबा, दिन बाबा, कुर्बान कर देता। दिन बाबा, दिन, दिन बाबा, दिन बाबा, तीनु बाबा, तो ये है डॉक्टर साहब का पूरा खानदान। छोटे छोटे बच्चे और इन बच्चों की खूबसूरत माँ। बकवास बंद करो और मेरे घर से निकल जाओ कुत्ते। मुझे कहा कुत्ता? ठीक है, सुनो, जब ये कुत्ता पागल हो जाए तो पागल कुत्ता काटे बिना वापस नहीं जाता। पहले ये कुत्ता तेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को काट देगा और उसके बाद तुम्हें काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की लाशों को देखकर खुद ब खुद मर जाओगी। नहीं नहीं, मेरे जीते जी मेरे बच्चों को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। तुम यूं ही मेरा हाथ थामे रखोगी तो तेरी जान की कसम मैं गोली नहीं चला सकूंगा। कितने खूबसूरत है ये हाथ। हाथ चूमने की कीमत सिर्फ एक थप्पड़, बहुत कम कीमत है। कुत्ते, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, मैं तुझे जान से मार दूंगी,
मामी? नहीं डैडी, 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 तुम तो मुझे इस आग में राज नहीं कर सके। अलबत्ता मैं तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की जिंदगी में जो आग लगाऊंगा उसके शोले तुम्हें कयामत तक नजर आते रहेंगे।
नहीं रही, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तुम्हारा भी कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। रमजू, अगर तुम कहो तो तुम्हें तुम्हारी बस्ती में वापस पहुंचा दें। नहीं डॉक्टर साहब, अब उस बस्ती में कुछ बाकी नहीं रहा। मेरे मालिक की सिर्फ यही निशानी रह गई मेरे पास। जालिमों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब तो मेरी जिंदगी का सिर्फ यही मिशन है, तानिया बेटी को पाल पोस कर सीसा पिलाई हुई दीवार बना दूं, ताकि ये अपने खानदान के कातिल जैकी को ढूंढ कर उससे इंतकाम ले सके। बताओ जैकी कहाँ रहता है? इतना मालूम है जैकी बैंकॉक में रहता है। जैकी, तुम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, तुम्हें मेरे इंतकाम की आग में जलना पड़ेगा। डॉक्टर आसिफ ने तुम्हारी बेइज्जती की सिस्टर, ये कोई नई बात नहीं है, अभी तो वो तुम्हें घर से निकालेगा। होमी, माय डियर सिस्टर, ये सब जानते हैं कि आसिफ ने इस मुल्क की शहरियत हासिल करने के लिए तुमसे शादी की, और वो किसी वक्त भी अपना सब कुछ समेट कर यहां से जा सकता है, और तुम बैंकॉक के फुटपाथ के ऊपर भीख मांगती नजर आओगी। होमी, बी क्वाइट, चुप हो जाओ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। किसी अकलमंद का कौल है कि अंधेरे में रोशनी को तलाश करो, और तुम्हें तो तलाश करने की जरूरत ही नहीं, भूमि तुम्हारे लिए रोशनी का वो मीनार है जो आसिफ को अंधेरों में गुम कर देगा। नहीं भूमि, नहीं। डियर सिस्टर, जिंदगी को पुरलुत्फ बनाने और मनमानी की जिंदगी गुजारने के लिए
आसिफ को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और ये काम तुम अपने भाई पर छोड़ दो। मैं सब कुछ भूल सकता हूं करीम खान, लेकिन जैकी का चेहरा नहीं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जैकी का सिवाय बैंकॉक के कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं। वो जब भी मिलेगा इसी शहर बैंकॉक में मिलेगा। लेकिन तुम आज इतने खामोश खामोश क्यों हो? सोच रहा हूं आपने मुझे आसिफ एंटरप्राइजेज का जनरल मैनेजर बनाकर अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया है, लेकिन क्या मैं ये बोझ उठा सकूंगा? क्यों नहीं, आदमी को खुद अपनी सलाहियतों का अंदाजा नहीं होता। तुम यकीनन इस काबिल हो, मैंने जो फैसला किया है गलत नहीं है। आओ। वो तो आप ठीक है। सिस्टर, माय डियर सिस्टर, तुम बेवा हो गई हो। अब तुम अपने शौहर का मातम करने के लिए तैयार हो जाओ। अभी थोड़ी देर में करीम खान और डॉक्टर आसिफ की लाशें तुम्हारे घर पहुंच जाएंगी। आप तो काफी जख्मी हो गए हैं, क्या हुआ? कोई एक्सीडेंट हो गया था? मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है जनी। ये होमी यहाँ क्यों आया है जबकि मैंने इसे यहाँ आने से मना कर रखा है? बहन को एक नजर देखने चला आया था। आप कहते हैं तो चला जाता हूँ भाईजान। ठहरो होमी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे शैला को क्लब से लाना है। करीम खान, इस औरत से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की पहली गलती की। शैला को जायदाद का वारिस बनाकर उससे बड़ी गलती की। इस औरत ने मेरी बेटी को भी अपने रंग में रंग लिया है। शैला भी बच्ची है, नादान है, जो अपनी माँ के इशारों पर चल रही। वो तुम्हारा खून है, वो बेअदब हो सकती है मगर बेशर्म नहीं। सोसाइटी में रहकर कब तक इससे बचती रहोगी? हैरत है, डांस करती हो, शराब की महफिलों में जाती हो और शराब नहीं पीती। ना पीकर भी होश में रहती हूँ। अगर किसी दिन पीकर ऐसी किसी महफिल में अपनी आवाज को बैठी तो तुम जैसे शिकारी मुझे शिकार कर लेंगे। शैला। यस मम्मी। आओ बेटी, लेट्स गो। बाय बाय बाय। आज क्लब में जितना एंजॉय किया मम्मी, गाड़ी ने उतना ही तंग किया। ओह डियर,
ऐसा तो हो ही जाता है। क्या हुआ पापा, ये आपको चोटें कैसी लगी? वो बस मामूली सा एक्सीडेंट था। तुम जाओ। सुना नहीं तुमने? जाओ अपने कमरे में। कितने अफसोस की बात है कि तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर कर रही हो। मैं उसे मशरिकी हया की तस्वीर बनाना चाहता था और तुम उसे गुमराही के अंधेरों में धकेल रही हो। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी बेटी बेखुद होकर नाचती है तो सारा कलब झूम उठता है। बकवास बंद करो। आज मेरी बेटी तानिया मेरे सामने होती तो तुम्हें बताता कि बेटी का रूप क्या होता है। जो मर चुका है उसकी बात मत करो। नहीं नहीं, मेरी बेटी नहीं मर सकती। मेरा कलंदर छूटा नहीं हो सकता। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मौत मेरी बेटी के सर पर खड़ी थी और मैं कलंदर से उसकी जिंदगी की भीख मांगने गया था। अली दम दम, अली दम दम, अली दम दम, अली दम दम। उच्चा रोजा सेवन दा जिते वस कलंदर ला। उच्चा रोजा सेवन दा जिथे बस कलंदर ला। जब तक खाने तेरे दर ते मैं आवा हर साल, मैं आवा हर साल। दमादम मस्त कलंदर सफी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सफी शहबाज कलंदर। उच्चा रोजा सेवन दा जिथे बस कलंदर ला। जब तक खाने तेरे दर ते मैं आवा हर साल, मैं आवा हर साल। दमादम मस्त कलंदर सफी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सफी शहबाज कलंदर। अली दम दम, अली दम दम, अली दम दम, अली दम दम। रोक मिटावे दिली मुरादा पांदे जेड़े दर ते पाण संभाल। दमादम मस्त कलंदर सफी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सफी शाहबाज कलंदर। अली दम दम, अली दम दम, अली दम दम, अली दम दम, अली दम दम।
सानिया बेटी की जिंदगी मैंने बड़ी मन्नत से मांगी थी, वो इतनी जल्दी अपने बाप से जुदा नहीं हो सकती। मुझे यकीन है वो जिंदा है, एक दिन अपने बाप से जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन खुदा जाने वो कहाँ है। आराम सासों, तुम क्या समझते थे कि इस गरीब बस्ती की बहू बेटियों की इज्जत का रखवाला कोई नहीं? सानिया, तुम यहाँ से चली जाओ, ये हमारा आपस का मामला है। इस औरत ने 6 माह से हमारी खोली का किराया नहीं दिया। अच्छा, किराए के बदले तुम इसकी बेटी को उठाने आ गए। सुनो, अपनी खैरियत चाहते हो तो इस लड़की के सर पर सब भाई बनकर हाथ रख दो, वरना एक एक के हाथ पैर तोड़ दूंगी। लगता है तुम्हारे कानों में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए तुमने मेरी बात सुनी नहीं। तुम्हारा कुछ ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। नसीब हैं वो लोग जिनकी तुम औलाद हो बेटी। नहीं नहीं माँ जी, माँ बाप के प्यार के लिए कितनी बदनसीब हूं मैं। या अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आपके भतीजे की पोस्टिंग इधर बैंकॉक में हो गई। अब वो उस गिरोह को खत्म कर देगा जिसने स्मगलिंग, डकैती और तकरीबकारी की। क्यों नहीं, शमशेर ऐसा ही बहादुर बेटा है, अब ये क्रिमिनल्स उससे बच नहीं सकेंगे। मुझे माइकल से मिलना है।
कैप्टन शमशेर। मेरे कई नाम है माइकल, दोस्त मुझे कैप्टन शमशेर खान कहते हैं, दुश्मन मौत का फरिश्ता, और तुम जैसे मुजरिम अजाब इलाही के नाम से याद करते हैं। बहुत मान है तुम्हें अपनी नजरों से कैप्टन, सुना है तुम्हारा दावा है कि तुम्हारी तेज नजरों से कोई भी मुजरिम नहीं बच सकता, क्यों ना आज हम तुम्हारी आंखें तुमसे छीन ले। अरे कैप्टन साहब, आप इन घनचक्रों के जाल में कैसे फंस गए? अबे कानून की नजर में गुंडे, बदमाश और मुजरिम तो हम भी हैं, लेकिन तुम्हारी तरह घटिया सोच नहीं हमारी। अबे उल्लू, अबे बावले कुत्ते ने तुझे काट लिया क्या जो कानून को अंधा कर रहा है? ची ची, बुरी बात। फ्रेंड्स, हमसे उलझा गए तो चले जाओ यहां से, चले जाओ। अबे ऐसा कैसे चलेगा? देखो प्रिंस यहां पर आए और अली आज चला जाए, ये तो मुमकिन नहीं है ना। दो शेरों की लड़ाई में चीते का क्या काम? आराम से बैठ कर इनकी लड़ाई देखो, तेल देखो, तेल की धार देखो, मेहरबान कदरदान। वेरी गुड, एक्सीलेंट, टिका के मारो इसको, बहुत हरामी आदमी है। इधर आओ, उधर मरो, मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हैं?
कैप्टन साहब। अरे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बड़ी हरामी चीजें हैं वैसे, आपके हाथ में नहीं आएंगी। हरामियों से निमटना ही कानून का काम है। बाय द वे प्रिंस कहते हैं मुझे, तुम इस अड्डे पे क्या कर? मैं कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि मैं कहीं तो मनुष्य नहीं 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 तोबा ना उस बिलास, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, मेरा मंशा से क्या ताल्लुक है? वैसे कैप्टन साहब आप बड़े एहसान फरमोश हैं, मैंने आपकी जान बचाई है, वरना आपकी खूबसूरत आंखें इस वक्त खिलाफों पे। बारह मदद करने का शुक्रिया। भाई बड़ा सख्त कैप्टन लगता है, इससे बच के रहना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चंगेज खान ये तुम कहां मर गए थे यार? मैं तो जब से तुम लड़ रहे हो तब से यहां बैठा हुआ। तो रो क्यों रहे हो? इस यतीम स्मगलर की हालत इस दार पे रो रहा हूं। यतीम स्मगलर कहता है कि ना मेरा माँ बाप है और ना मेरा बाप है। चलो चलो लड़ाई बंद होगी। हाँ लड़ाई बंद होगी, सारे भाग गए। चलो चलो चलो, ये क्या कर रहे हो? इसे कहाँ ले जाना है? इसको थाने जमा नहीं करवाना? आने हाँ चलो चलो। अंकल आप कुछ परेशान हैं? बरसों से ये परेशानी मुझे दीमक की तरह चाट रही है, मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया है इसने। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी मेरा अपना नहीं है, ना मेरी बेटी अपनी है ना बीवी। लेकिन ये ऐसा क्यों है अंकल? ये सब इसलिए कि जज्बात की रौ में बहकर मैंने गलत फैसला कर लिया। गलत फैसला? हाँ, गांव की तबाही के बाद जब वहां कुछ ना बचा तो जालिम जैकी की तलाश में दुनिया का कोना कोना छानते हुए मैं यहां इस शहर में आ गया। मुल्की कानून के मुताबिक यहां ज्यादा देर ठहरना मेरे लिए प्रॉब्लम बन गया। बाकायदा शहरियत हासिल करने के लिए मैंने यहां शादी कर ली और यही फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया। तकदीर ने मुझे सब कुछ दिया मगर वो सुकून न मिल सका जो एक अच्छी बीवी अपने शौहर को दे सकती है और ना वो दुश्मन मिल सका मैं आज तक जिसकी तलाश में हूं। आप हिम्मत ना हारिए अंकल, मेरे बाबा ने मुझे वर्दी इसीलिए पहनाई थी कि आपके जख्मों पर मरहम रख सकूं। हाँ शमशेर बेटा शमशेर बेटा। मम्मी मेरा ख्याल है गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। ठीक है गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं, टैक्सी लेकर घर चलते हैं। ओके पैदल चलना पड़ेगा, क्या मुसीबत है, गाड़ी ने भी आज ही खराब होना था। श्वेता दा है जिंदगी बचाना चाहती हो तो ये जेवर और ये पर्स हमारे हवाले कर दो।
मम्मी, ये सब चीजें जिंदगी से ज्यादा कीमती है क्या? आप इन्हें दे दीजिए। लाइए, ये लो। अबे ओ मॉडर्न डाकू के बच्चों, माँ बहन नहीं है तुम्हारे घरों में? अरे कुछ शर्म करो यार। अरे ये औरतें हैं, ये लाचार हैं, कमजोर हैं। लाचार हैं, बीमार हैं, एक दूनी दूनी दो दूनी चार हैं। अरे लूटना है तो हम जैसों को लूटो। ये देखो खिसा सामने। ये हुई ना बात। हमारे रास्ते में आओगे तो इस जवानी से हाथ धो बैठोगे। एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, इस साली जवानी से तुम पहले ही तंग आ चुके हैं। अरे बेकार उठाए फिरते हैं इसे। ना इससे कोई प्यार करने वाला है और ना ही कोई नफरत करने वाला। अरे हमने भी कभी इसकी कोई परवाह नहीं की, जाती है तो जाए। लेकिन एक बात बता दूं डॉक्टर साहब, हम तुमसे डरेंगे नहीं। क्या समझे? खबरदार, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो डगाडस से कचाकच कर दूंगा। खंजर मंदू फरा होए। बच्चे को मारते हो? नागपुर के अरे यहाँ तक बे मेरे चाकू से ना करी शक बे। यार ये जरा पकड़ना बदतमीज, देखते नहीं हम लड़ रहे। थैंक यू। थक गया हूँ यार, बैठो जरा आराम से लड़ेंगे। उठो यार, जरा दोनों कान पकड़ते हैं। क्या जरा आगे जरा हो रखे क्या भाई? मैम साहब, आइंदा आप इस रोड से ना गुजरिएगा, क्योंकि यहाँ अक्सर ऐसी वारदातें होती है। हम तो कभी इधर से नहीं गुजरते, अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई, सोचा क्यों ना शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाए। ये तो अच्छा हुआ कि प्रिंस और मैं आ गए, वरना। एनीवे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये लो। ये क्या है? इनाम समझ लो या बख्शीश। चलो पकड़ लेते हैं। चंगेज खान, मैम साहब आपने हमारी हमदर्दी का गलत मतलब समझा है। और से सुनो मैम साहब, मेरा नाम प्रिंस है। खुदा ने मुझे कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए पैदा किया है। आओ चंगेज खान, गुड नाइट। अजीब बात है। चलो मम्मी। शमशेर जी, आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं तला दी? अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि प्रिंस इस वक्त कहां होगा?
देना। ये पकड़ा ना जरा। संभाल गए, संभाल गए। ये भी लो। चलो। चंगेज खान, ये सारा सामान उठा के ना इन बस्ती वालों में बांट दो। हाँ गेलो भाई। यहां तक भी आ गए कैप्टन साहब। हाँ, देखना चाहता था कि वो कौन सी मंजिल है जिसके लिए तुम ये सब करते हो। यही मेरी मंजिल है कैप्टन साहब, इन्हीं के लिए जीता हूं और इन्हीं के लिए सरमायादारों से टैक्स वसूल करते हो। आपके पास इस इल्जाम का क्या सबूत है? तुम्हारे खिलाफ शिकायत है। मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि अब अगर तुम्हारे हाथ टैक्स लेने के लिए किसी सरमायादार की तरफ पड़े तो इन हाथों में हथकड़ी डाल दूंगा। सुनो कैप्टन साहब, जब तक सरमायादार गरीबों के मुंह से निवाला छीनते रहेंगे, उनके आने वाले कल को मुफलती और गुर्बत के अंधेरों में तपन करते रहेंगे, प्रिंस के ये हाथ उनकी तरफ पड़ते रहेंगे। और रहा आपकी हथकड़ियों का सवाल, तो इन लोगों के लिए मैं अपने आप को फांसी पर भी चढ़ा सकता हूं। आइए आइए मेम साहब, आइए। आप और यहां जरूर कोई काम पड़ गया होगा, या तो आपकी गाड़ी खराब हो गई होगी या फिर किसी गुंडे ने आपको तंग किया होगा। ऐसी कोई बात नहीं, उस रोज तुमने कहा था कि तुम दूसरों के दुख बांटते हो, आज मैं भी तुम्हारे साथ इस सफर में शरीक होने आई। ये लीजिए। ये क्या है? ये कुछ रुपए हैं, मेरी तरफ से बस्ती के गरीब लोगों में बांट दीजिएगा जिनके लिए आपने अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी है। मेम साहब, मेरे सफर में शामिल होने से पहले सोच लीजिए, रास्ता बहुत मुश्किल है, साथ दे सकेंगे। यही सोचकर तुम्हारे पास आई हूं।
दफा लिख दी तेरे नाम जबानी ब्रेकडांस ब्रेकडांस करो मेरे यार ब्रेकडांस ब्रेकडांस करो मेरे यार क्या छुपाना जाने जमाना तू ही मेरी जान है तेरे जैसा ना कोई यहाँ पे तू मेरी पहचान है अब क्या छुपाना जाने जमाना तू ही मेरी जान है कितना तो पूछो महकी हुई शाम से कैसी है नजरें ये दिल हमेशा धड़के तेरे नाम से क्या है इरादा कितना तो पूछो महकी हुई शाम से कैसी है नजरें ये दिल हमेशा धड़के तेरे नाम से सारी बदल जाए हम न होंगे जुदा हम न होंगे जुदा लोगों को कहने दो लोगों को कहने दो दीवानी लिख दी तेरे नाम जबानी ब्रेक डांस करो मेरे यार ब्रेक डांस करो मेरे यार अरे हो जाएगा प्रिंस प्रिंस मैं सच कहता हूँ कि तुम सिर्फ नाम के ही प्रिंस नहीं काम के भी प्रिंस ये गरीब बस्ती वालों के लिए जो तुमने मकान बनवाने का आइडिया सोचा है ना हाँ भाई कमाल सोचा है चंगेज ये बात सोचने पर खत्म नहीं होगी इस पर अमल भी होगा मैं बस्ती वालों के लिए जमीन जरूर खरीदूंगा सबके जाओ तेरे ओए 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 हैं मेरे तो सारे थप्पड़ हवा में चले गए थे ये पटाख की आवाज कहां से आई थी कहां से आई थी बहुत जोरदार आवाज थी चलो मिट्टी डालो अरे प्रिंस अरे तुम्हारे इंपस्सिबल बनाने का बंदोबस्त हो गया अरे ये तलंग किसी का माल लेकर रफू चक्कर हो रहे थे और दौड़ के नप लेना नू अरे प्रिंस से बचकर कहां जाएंगे Oh!
घबराई ना शेर बाण डट के मुकाबला करो बेटे भागना नहीं नहीं तो मैं भाग जाऊंगा मेरा मतलब है कैप्टन साहब तो ये काम भी करते हो कौन सा धंधा है जो हम नहीं करते पेट पालना है जो भी मिल जाए जैसा भी मिल जाए ठीक कहा ना अरे देखिए कैप्टन साहब मेरी बात तो सुनिए ये आप मुझे हथकड़ी क्यों लगा रहे इस स्मगलिंग के जुर्म में ओह बाय द वे इसका सबूत सबूत ये कोई सबूत नहीं है कैप्टन साहब अपनी वर्दी को बचाने और अपनी नाकामी को छुपाने का बहाना है आप जैसे काबिल ऑफिसर अपने कंधों के स्टार इसी तरह बढ़ाते हैं शाप तुम चचारों कानून क्या है कैप्टन साहब कानून और कानून बालों के साथ मेरा ताल्लुक उस वक्त है जब मेरा कद 3 फुट और उम्र 4 साल थी अब तो मेरा कद भी 6 फुट 2 इंच हो गया और उम्र भी 25 साल से ज्यादा हो गई है जो मूछों वाला करता है पकड़ा दाढ़ी वाला जाता है यही है ना आपका कानून बहुत लंबी जबान है तुम्हारी जबान की लंबाई तो आप जितनी है कैप्टन साहब लंबी इसलिए लगती है कि ये सच बोलती है मैं तुम्हारी जबान नहीं नहीं कैप्टन साहब हाथ को थोड़ा पीछे रखिए इसलिए कि आपकी हथकड़ी खुल चुकी है अब अगर आप कहें तो आपके दिमाग की खिड़कियां भी खोल दूं आपके मुजरिम बुर है लीजिए कैप्टन साहब आपके मुजरिमों को पकड़ के मैं ले आया हूँ ये है बैंकॉक का खगा हा? और ये है थाईलैंड की कुजी सिरी आप तो बिला वजह मुझ पर और प्रिंस पर शक करते रहते हैं आपके असल मुजरिम तो ये हैं ये लीजिए कैप्टन साहब अपनी हथकड़ी और लगा दीजिए अपने मुजरिमों को और एक बात याद रखिएगा अगर आप कानून की इज्जत में इजाफा चाहते हैं तो आइंदा अपनी आंखें खुली रखिएगा ताकि आपको बेगुनाह और मुजरिम की सही पहचान हो सके वैसे कैप्टन साहब आइंदा आप प्रिंस को नहीं भूलेंगे चंगेज खान भी भूलने वाली चीज नहीं है बागवानी का शौक कब से हुआ खिलाफे तवक को पौधों की जड़ों को पानी दे रही करीम खान शुक्र करो जड़ें काट नहीं रही क्यों अंकल आप और पापा दोनों मिलकर मम्मी को परेशान कर रहे हैं अरे नहीं बेटा अरे चलो बेटी नहीं तुम्हारी मम्मी परेशान करने के लिए पैदा हुई है परेशान होने के लिए नहीं
भाग गया। कोई नहीं मास्टर, आओ चलें। पापा, आर यू ऑल राइट? मैं ठीक हूँ बेटा। अगर मेरी नजर न पड़ती बेटे तो ना जाने क्या हो जाता। ना जाने कौन लोग हैं जो पापा की जान के दुश्मन हैं। कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारे डैडी का। इनको रास्ते से हटाने के लिए इनके अपने ही दोस्तों की चाल है। जरे, तुम्हारा इशारा अगर करीम खान की तरफ है तो जबान से गलत मत बोलना, जबान खींच लूंगा। पापा, आपको मम्मी के लिए ऐसे नहीं कहना चाहिए। ले जाओ अपनी मम्मी को यहाँ से, ले जाओ इसे प्लीज। दूसरी बार हमला हुआ है, हमें पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। रिपोर्ट करो? किसके खिलाफ रिपोर्ट करो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। तानिया बेटी, इस वर्ल्ड मैगजीन में तुम्हारे फन को बहुत सराहा गया। ये देखो, तुम्हारी तस्वीर भी छपी। हाँ सर, ये फन मैंने आपसे सीखा है। दुआ करें, जिस मकसद के लिए ये फन सीखा है, खुदा इस मकसद में मुझे कामयाब करे। मम्मी हो तो आप जैसी। जेरी, जेरी, जरा, जेरी। क्या हुआ, क्या मिल गया है? वो खुशी मिली है जेनी, जिसका मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मुझे मेरी बेटी मिल गई, तानिया जिंदा है। ये देखो, हूबहू अपनी मां की तस्वीर है। देखो ना जेनी, कितनी अच्छी लग रही है। जानती हो अखबार में उसकी तस्वीर क्यों छपी है? तानिया ने मार्शल आर्ट्स में टॉप किया है। मैं खुद उसे लेने जाऊंगा। अब मैं एक पल भी तानिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, तुम दोनों भी साथ चलो ना, चलो ना जानी। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा, हाँ तो ठीक है, मैं खुद चला जाता हूँ, उसे लेकर यही आता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। मम्मी, हमें भी पापा के साथ तानिया को लेने ढाका जाना चाहिए था। शैला, ना समझी की बातें मत करो। हमारा उससे क्या रिश्ता? आसिफ, करीम खान। अच्छा वो तुम भी मिल गए। तानिया बेटी का पता चल गया है, वो जिंदा है। मैं उसे लेने ढाका जा रहा हूं, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं दोस्त, न मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और न ही तुम्हें जाने दूंगा। नहीं नहीं करीम खान, ऐसा मत कहो। मुझे हर कीमत पर आज अपनी बेटी के पास पहुंचना है। सुनो, आज अगर तुम अपनी बेटी से मिलने चले गए तो फिर उसे हमेशा के लिए खो दोगे। क्या क्या कह रहे हो करीम खान? मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई। मेरे दोस्त, तुम भूल रहे हो कि जहां तुम जा रहे हो वहां के कानून की नजरों में तुम मुजरिम हो, कातिल हो। वहां तुम्हारी बेटी जरूर है, लेकिन फांसी का फंदा भी है। क्या तुम चाहोगे कि एक बाप अपनी बेटी से मिले और बिछड़ जाए? नहीं नहीं करीम खान, नहीं नहीं करीम खान, नहीं। तो फिर बेटी के पास जाने के बजाय उसे अपने पास बुला लो। हाँ 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 ठीक है, फौरन बंदोबस्त करो करीम खान। और मुद्दतों से बहकते इस दिल की भट्टी पर बेटी के प्यार की बरसात कर दो। मुझे मेरी बेटी से मिला दो। तुम्हें तुम्हारी दोस्ती का वास्ता करीम खान, मेरी बेटी मुझसे मिला दो। अब उसके बगैर एक एक पल कांटों पर गुजरता है। तानिया बेटी, तानिया बेटी, तुम्हारे अब्बू का पता चल गया है, वो जिंदा है और बैंकॉक में। क्या कह रहे हो पापा? मेरे अब्बू
जिंदा है? हाँ बेटी, उन्होंने हमें बैंकॉक में बुलाया है। ये देखो, हवाई जहाज की टिकटें भी भेजी हैं। अरे तुम गुमसुम क्यों हो गए? बोलती क्यों नहीं? ऐसी कुछ खबरें सुनकर तो आदमी दीवाना हो जाता है। चार चराग सदा बल दे तेरे, दूर दिला दे कर रहने रे। चार चराग सदा बल दे तेरे, दूर दिला दे कर रहने रे। अरशा तक परिवाज करे तो राज दिला दे, जान नहीं तुम नजर करम दी करें जी देते पंज बना देना। मैं सचमुच बाबा, मैं ना कहती थी मेरा कलंदर सच्चा है, लजपाली मेरी लाज रखी। ये सब उसकी कुदरत का करिश्मा है बेटी। अखबार में छपी तस्वीर बाप बेटी के मिलाप का जरिया बने। बाबा किसी वक्त चलो, मैं अपने अब्बू से एक पल दूर नहीं रह सकती। नहीं, इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती बेटी। परसों की फ्लाइट से हम लोग बैंकॉक जाएंगे। प्यो को लै चलिए मेनू। अच्छा प्यो ना गल करिए, तेरा प्यो है किथे? मैं क्या गल सुन, मैं तेरे को खतरा लग रही, मैं कितने लैके जा रही है? नाल आखी जा रही है, गल तो सुनना। की चाहनी है तू? मेरे नाल गल ते मुका। ओ की डंग मार दिते ओए, की अखां चार कीतिया नी मेरे नाल। ओए चंगे पले मुसद आदमी नु ठरकी मरा दे पई। ओए मेनू की बगल ला ली पई। ओए मैं के गल तो सुन, तू चाहनी की है? ए थल्यों ते उत्ते लाई है, वो तू कितने लैके जाएगी? ऐ तो दस, ऐ बंद करो आंखी। लो मैंने आंखें बंद कर ली, अब तो मुझे संभालो। पी जमा लो, पी जमा लो तेरे दंद गुलो बंदनी, पी जमा लो तेरे दंद गुलो बंदनी। बस ये असला नजायज है या एक ही है? ये जायज ही है। अस्सलामुअलैकुम, की हाल है भाजी? तरकोने बड़ी मुद्दत बाद मिले हैं तू, की हाल है? चलो ठीक है। और बगली मैं किस मुसीबत फसाती है, मैं की करांगा? मैं फस गया है, तलंगे आ जाए। Thank you.
बेहोश नहीं मुझको, बेहोश कर दिया है जालमों ने, बहुत कूटा मुझको, अरे वैसे बहुत मारा है मुझको जालमों ने, पानी तो पिलाओ। है? पानी, ठंडी बोतल। ए जिन ते बिल्कुल मेरी शक्ल है, लगता है मेरा प्यो किसी जिननी नाल खराब। कौन है तू? तारीख के उन सफात पर हजारों वफादारों में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। न तुम मुझसे पूछो कि मैं कौन हूँ, न मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम कौन हो। समझ गया मेरी बात? What you want? You want girl? अच्छा, तुसी मेरा हुक्म मनोगे? हुक्म करो मेरे आका, किसका चलाऊं पटाखा, आपने देखा है ढाका। ऐ ते फिर मेरा हुक्म है कि तुसी मैनू अपने मोड़ियां ते बिठा के ते पूरे बैंकॉक दी सैर कराओ। ठीक है, सरल पोपटी के नागे चीजांगे के कटपक सल्लो नाट कबल्ला हरवल्ला ही के मैं नाल जाए पर। ठीक है, इस कलीन ते बहना है, अरे इसको पेट्रोल वगैरह तो नहीं पड़ना। ओ अच्छा, ओ वेरी गुड, ओ खुश कर देती, थैंक यू। भाईजान, इनू स्टार्ट करो। कोई लत मार के तू बंदूंगा, ये को काफ़ा गलीच है, कोई पार्टी का रक्षा नहीं। ते पूरे बैंकॉक की फजा उड़ाओ, हवा कमाओ। देखो एक बात का खास ख्याल रखना, इस गलीचे पर बैठकर कोई गलत काम मत करना, वरना पछताओगे। शर्म को सलमा बेटी, बाप से मिलने आ रही है। मेरा नाम भी जेनी है। बाप को अपनी बदनसीब बेटी की लाश मिलेगी, लाश। बाबा, डैडी हमें लेने क्यों नहीं आए? यही मैं सोच रहा हूँ बेटी, तुम्हारे डैडी को आना चाहिए। चलो खैर, बता दीजिए। ठीक है। अरे आप लोगों को तो मैं ढूंढ रहा हूँ। इसका मतलब है मेरे डैडी ने? हाँ हाँ, डॉक्टर आसिफ ने ही मुझे भेजा है आप लोगों को लेने के लिए। चलिए आइए आइए। चलिए चलिए चलिए।
ये तुम कहाँ ले आए हो हमें? कौन हो तुम? जिंदगी छीनने वाले का एक ही नाम होता है, तुम्हारी मौत। मैं बचता हूँ। ऊंचा नहीं बोलते। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से पहले कौन मरेगा? इसका फैसला लेकिन ये भी तो पूछना है, लाश कहाँ है? मैं पूछती हूँ, लड़की की लाश कहाँ है? लाश तो आ जाती मैडम, लेकिन वो ताला छोकरा उसे बचा कर ले गया। ओह नो 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 नो, तुम फिक्र ना करो सिस्टर, मैंने सारे बैंकॉक में कारिंदों का जाल बिछा दिया है, तुम यकीन कर लो, वो लड़की मर गई है। एक बात समझ में नहीं आती कि वो रहीम बाबा के साथ मुझे क्यों मारना चाहते थे। एक बात बताऊं, कुछ लोग तुम्हें तुम्हारे बाप के पास पहुंचने से पहले ही मार देना चाहते हैं, जो कम से कम अब नहीं हो सकता। तुम अपने बाप के पास पहुंचोगी और जिंदा पहुंचोगी, लेकिन सारा प्रॉब्लम यह है कि तुमने आज तक अपने बाप को देखा भी तो नहीं है ना। अब डॉक्टर आसिफ नाम के हर आदमी को तलाश करना पड़ेगा। लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं, तुम करते क्या हो, तुम्हारा नाम क्या है? अरे नाम तो अपने कई हैं। जब मैं यतीम खाने में था तो लोग मुझे 12 नंबर के नाम से पुकारते थे, और जब मैं होटल में था तो लोग मुझे छोटे के नाम से बुलाते थे। अब मैं छोटा होकर बड़े काम करता हूं तो लोग मुझे प्रिंस के नाम से बुलाते हैं। क्या खबर लाओ गरीब खान, क्यों नहीं पहुंचे कभी? वो लोग तुम्हारा खत मिलते ही दूसरे दिन पहुंच गए। क्या कह रहे हो? हाँ मैंने मुसाफिरों की लिस्ट खुद देखी है, उसमें उनका नाम है। नाम है तो वो लोग घर क्यों नहीं पहुंचे? पता नहीं। ओ माय गॉड, वो लोग गए कहां आखिर? गरीब खान सब अखबारों में तानिया की तस्वीर और उसकी गुमशुदगी खबर छपा, और 4 लाख के इनाम का ऐलान कर दो। ठीक है, अच्छा मुझे वो अखबार दे दो जिसमें तानिया की तस्वीर छपी। अखबार? हाँ 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 जेनी जेनी, अरे क्या हुआ, पूरा घर के सर पे उठा लिया। मेरी दराज से वो अखबार कहाँ गई जिसमें तानिया की तस्वीर थी? कहाँ है वो अखबार? मैं कोई नौकर हूँ जो तुम्हारे अखबारों की हिफाजत करती फिरूं, मैं कुछ नहीं जानती। करीम खान कुछ करो, इसी तरह मेरी बेटी को ढूंढो, उसे तलाश करो। वो अजनबी है इस शहर में। पूरी बस्ती छान मारी, चंगेज खान का कोई पता ही नहीं चल रहा। थोड़ी देर के लिए आया था,
तुम्हारा पता पूछा और चला गया। अच्छा ये कालीन का क्या चक्कर है? पता नहीं, वो जादू का कालीन उसे कहाँ से मिल गया है। चंगेज खान इशारा करता है और वो उड़ने लगता है। अजीब बात है। मेहरबान कर रहा, अल्लाह जी जुआ शुरू हो गया है, लगाने वाले को मिलेगा जुआ, दिल वाले का या मिल वाले का, खेल शुरू हो चुका है। पते उठाओ, चलो 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 चलो, 1 2 3 4 5 6। जरा अपने पते दिखाओ, दिखाओ, मैं तुम्हें नेक मशवरा दूंगा, दिखाओ। शुक्र करो तुम बच गए हो मेरे हाथ से, मेरे पास 3 यके हैं। तुम अपने पते दिखाओ। ये क्या पते लेके बैठे हो? तुम दिखाओ। ये क्या चक्करबाजी कर रहे हो? तुम भी अपने पते दिखाओ। वो देखो पुलिस आ गई। घबराने की जरूरत नहीं, पुलिस हमको नहीं पकड़ सकती। मेरे पास जादू का गलीचा है। हाँ, हाँ, देखो बैठो इस पर आराम से। शाबाश शाबाश, बैठो बैठो शाबाश, निच के बैठो शाबाश, पकड़ो ये। हाँ, आओ पकड़ो, आओ चलो युवा शुरू। फजाई जुआ है, हूं ना किसी पुलिस का डर ना छापे का, फुल खुला के। हेलो हेलो हेलो, आई स्पीकिंग फ्रॉम कोकाफ। सलाम पावटा जी। वे पेलचे ने मुआ लिया, मैंने तुझे वार्निंग दी थी, इस गालीचे पर कोई गलत काम मत करना, मगर तुम जुआ खेल रहे हो। जी बस है, जरा दिल लकी कर रहे हैं सर। सुनो, अभी ये गालीचा खतरे में पड़ गया है, तुम्हारी बर्बादी शुरू हो गई है। ओए, ओए। ठहरो ठहरो, कहाँ भाग रहे हो? कोई मेरा गलीचा। संतरे जी, हम जुआ नहीं खेल रहे थे, वैसे ही जरा दिल लगी कर रहे थे, क्योंकि बैंकॉक की सैर कर रहे थे ना, तो गालीचे पर बैठ कर। अस्सलाम वालेकुम। हाथ मैले ले, चलो कोई गल नहीं। देखिए ना, बात दरअसल ये कि मैं जरा टूरिस्ट किस्म का आदमी हूँ, मैं यहाँ सैर के लिए। देखिए ना कैप्टन साहब, इंसान खता का पुतला है, इंसान भटक भी जाता है, इंसान लुढ़क भी जाता है, इंसान छपक भी जाता है, इंसान नारा। आज अगर तुम्हारी मां जिंदा होती तो मुझसे ज्यादा खुशी होती उसे। जबकि तो उसके ख्वाब की ताबीर बन चुका है, तो वो खुद नहीं है। अब तो बेटे जिंदगी का एक मिशन है, मेरे गांव को आग लगाने वाला और तुम्हारी मां की जिंदगी छीनने वाला जैकी मुझे मिल जाए तो मैं अपना इल्तकाम लूं। कैप्टन शमशेर की वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है माइकल। उसने कई बार हमारा माल पकड़ा है, इसलिए हमने फैसला किया है
कि फिलहाल हम तमाम अड्डों पर काम बंद कर दें। कैप्टन शमशेर पर सरेआम हाथ डालने से हमें डर लगता है कि कहीं हम एक्सपोज ना हो जाएं। कैप्टन को सिर्फ एक ही आदमी जेर कर सकता है सर। कौन है वो? प्रिंस, जिसकी वजह से अड्डा नंबर 3 पर कैप्टन हमारे हाथ से बच गया था। लेकिन अभी उसे नहीं बचना चाहिए। जाओ और उसे तलाश करो, और वो जितनी भी कीमत पर बिकता है उसे खरीद कर ले आओ। हमारा तारुफ तो तुम्हारे साथ हो चुका है कि हम इस शहर के बहुत बहुत ऊंचे आदमी हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में भी हम सब कुछ जानते हैं।
कि तुम छोटी मोटी वारदातें करके गरीबों के लिए बस्ती बनाने का ख्वाब देख रहे हो। तुम्हारा ये ख्वाब कल के बजाय आज भी पूरा हो सकता है। शर्त बताओ सेठ। बहुत चालाक लगते हो। अरे सेठ, बात दरअसल ये है कि हम दोनों की नस्ल एक ही है। वो क्या है कि तुम जरा ऊंचे लेवल का काम करते हो और हम फुटपाथ मारकर हैं। इसलिए तो हम तुम्हें बहुत ऊंचा देखना चाहते हैं। डायरेक्ट मतलब की बात करो सेठ। मतलब की बात तो फिर ये है कि तुम्हें गरीबों के लिए बस्ती चाहिए और हमें उसके बदले में कैप्टन शमशेर। जिंदा या मुर्दा? अरे ना ना ना, खून खराबे से हमें बहुत नफरत है, हमें जिंदा चाहिए। अरे गरीबों की बस्ती के लिए एक कैप्टन तो क्या, एक सब कैप्टन लाकर खड़ा कर दूंगा। सयोनी मेरा माही मेरे पाप जगावन आ गया, इंज लगदा अज मैं कैप्टन, मैनू खीर खुआवन आ गया। नी चांदी अशनाई कोलो फैज किसे नहीं पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया, हर कोशा जख्माया। ओ तर्रम पम पम तर्रम। ओए क्या बदतमीजी है, रास्ता क्यों बंद कर रखा है? कैप्टन साहब, जब किसी के नसीब सो जाते हैं तो उसके रास्ते भी बंद हो जाते हैं, और रास्तों के बंद हो जाने के बाद उसके सांस भी बंद हो जाते हैं, और उसके बाद उसके वो भी बंद हो जाते हैं। ओ तो तुम किसके लिए बिछाया ये जाल? आपके लिए बिछाया कैप्टन साहब। कानून के कुछ दुश्मन आपसे मिलना चाहते हैं, शर्त यह है कि मुलाकात उनके अड्डे पर हो, जहां वो अपनी अदालत लगाएं और अपना फैसला सुनाएं, और आप उनके हर फैसले पर सर झुका दें। ये सर कानून का सर है प्रिंस, कट तो सकता है लेकिन किसी मुजरिम के सामने झुक नहीं सकता। अगर मुझे कानून के दुश्मनों ने सर झुकाने की कीमत भी दी होती तो मैं ये टोपी वाला सर भी झुकाकर अपने साथ ले जाता। क्या है कैप्टन साहब, के बात उन तक सिर्फ पहुंचाने की हुई है, फैसला आप पर छोड़ता हूं, आप कैसे जाना पसंद करेंगे? शराफत से या ताकत से? मैं तुम्हारा एक ही रूप जानता था कि तुम गरीबों के अन्नदाता हो, लेकिन यह नहीं जानता था कि तुम गरीबों की जिंदगी के घेरे को तंग करने वाले कानून शिकन जालिमों के किराए के टट्टू भी हो। तुम्हारा यह रूप पहले सामने आ जाता तो गरीबों का अन्नदाता होने की वजह से तुम्हें कानून से कभी भी रियायत ना मिलती। कानून के दुश्मनों के लिए तुमने मेरा रास्ता रोका है, मैं तुम्हारी मुजरिमाना जिंदगी का हर दरवाजा बंद कर दूंगा। नहीं कैप्टन, बड़ी खरेदी। अच्छा चलो, तुसी लड़ लुड़ के ना फैट फूट करके ते मैनू फाइनली डिसाइड करके दस देना।
सेठ साहब, ये रहा आपका कैप्टन शमशेर। वेल डन, थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, अरे तुम दोनों की एक अमानत है मेरे पास, मैंने सोचा तुम दोनों को लौटा दूंगा। वो अमानत है तुम दोनों की मौत। अबे ओ सेठ, क्या बकता है? अब मैं नहीं बकता, ये बकेगा। अरे 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 अरे, ऐसे तुम्हें किसी भी जगह गोली लग सकती है। घबराओ नहीं सेठ अग्रवाल, तुम जैसे मूजियों से निमटने के लिए ऐसे ड्रामे में अक्सर खेलता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट, डोंट मूव। मान गए कैप्टन, मान गए। तुम बहादुर भी हो और चालाक भी। अरे कैप्टन साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? बड़ा आरामी आई है, आपके हाथ में नहीं आएगा। वैसे कैप्टन साहब, जो कुछ हुआ गलतफहमी से हुआ था। वो क्या है कि वैसे मैं दिल का बुरा आदमी नहीं हूं, जानता हूं मैं। लेकिन प्रिंस, जो काम तुम कर रहे हो इसे छोड़ दो, ये अच्छा काम नहीं है। इसलिए कि तुम एक अच्छे इंसान हो। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो सिस्टर, एक प्रॉब्लम हो गई है। शायद जुए की हार ने कचरा चढ़ा दिया है तुम पर। अरे वाह वाह वाह, बहन हो तो ऐसी हो जिसको भाई के हर दुख का इल्म हो। चाहते क्या हो बोलो। 10 लाख बात। होमी, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अभी तक तो ठीक है, अगर तुमने 10 लाख ना पहुंचाया तो फिर शायद खराब हो जाए। और अगर मैं आसिफ भाईजान को सब कुछ बता दूं कि उन पर कातिलाना हमला कौन करवाता है? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहन को ब्लैकमेल कर रहे हो। उनकी बेटी को मरवाने की कोशिश किसने की और अखबार गायब करके किसने जला डाला? ठीक है, मैं रकम लेके पहुंच रही हूं। लाख लाई हूँ सिस्टर। हाँ, दस लाख भात नहीं, तुम्हारी मौत लाई हूँ। मैं जानती थी मेरा सौतेला भाई एक ना एक दिन ये बर्ताव जरूर करेगा। देखो सिस्टर, गोली चल जाएगी, मैं मर जाऊंगा और तुम्हें फांसी हो जाएगी। मुझे फांसी हो जानी चाहिए और तुम्हें भी मर जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं एक अच्छी बीवी से लालची औरत बन गई। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। हम दोनों को मरना है क्योंकि एक फरिश्ता सीरत इंसान को मौत के घाट उतारने की साजिश हम दोनों ने की थी। Yeah.
जो आपने डैडी को खत्म करने के बारे में सोचा और मुझे हमेशा मेरे डैडी से दूर रखा, आखिर क्यों? आपकी हरकत ने मुझे मेरी नजरों में इस कदर शर्मिंदा कर दिया है कि मैं अपने डैडी को शक्ल तक नहीं दिखा सकती। आपने मुझ पे इतना जुल्म क्यों किया? मम्मी, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने मम्मी? जैसी औरतों का यही अंजाम होना चाहिए। बेटी, जो दौलत की खातिर अपने शौहर को मारना चाहती, जो भटक जाती, जो भटक परवरदिगार, मेरे मुकद्दर में सिर्फ दुख को ठाना लिखा है तूने। हंसता बसता घर उजड़ गया। इस औरत को आसरा दिया, इसने भी ये गुल खिलाकर मुझे सारी दुनिया की नजरों में शर्मसार कर दिया। बरसों से पिछड़ी बेटी से मिलने की आस दिलाई और छीन ली। मेरे मालिक, ये मेरी किन खताओं की सजा है? मेरे मालिक, ये मेरी किन खताओं की सजा है? मेरे मालिक, मेरी किन खताओं? बाबा, आप अभी तक जाग रहे हैं? खैरियत तो है ना? खैरियत कैसे हो सकती है बेटा, मैं सख्त परेशान हूं। डॉक्टर आसिफ पर बार बार कातिलाना हमला, उनकी बेटी का गुम हो जाना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्या है। व्हाट इज इट? आप घबराइए नहीं बाबा, सब ठीक हो जाएगा। आसिफ अंकल की बेटी तानिया की तलाश जारी है, अगर वो बैंकॉक में हुई तो जरूर मिल जाएगी। मैडम, हाउ मच प्राइस? 35। फाइन। जैकी की आदमी हो, बताओ जल्दी। Thank you.
जैकी के आदमी हो, बताओ जल्दी, बताओ जैकी कहाँ है, बताओ। मैं कुछ नहीं जानता। तुम झूठ बकते हो। चुराए ना को दीवाने हैं जाने
सर, मैडम शीबा ने कहा है आप वेट करें, वो ड्रेस चेंज करके आती है। ओके ओके सर। आपको बॉस ने बुलाया है। मुझे बॉस ने बुलाया है। बॉस लगता है मजोदारों से बरामद हुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छा गाती हो। हमें तुम्हारे डांस की परफॉर्मेंस भी बहुत पसंद आई। थैंक यू। मेरे आदमी ने बताया कि तुम लोग शौकिया फनकार हो और इस साल के आखिर में वर्ल्ड टूर पर भी जाना चाहते हो। एम आई राइट? जी हाँ। तुम लोग अगर चाहो तो हमारे क्लब में मुस्तकिल तौर पर काम कर सकते हो। हमें आपका शहर पसंद आया और क्लब शायद हम अपना टूर कैंसिल करके दो चार साल आपके क्लब में काम करते, लेकिन आपका रवैया अच्छा नहीं लगा। हम समझे नहीं। आप कौन क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन कारोबार का उसूल है जब दो पार्टियों के दरमियान किसी काम के लिए बात हो तो पर्दे की जरूरत नहीं रहती। इनका मतलब यह है फिटे मुझे कि पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। कितने इस गाल तो नहीं पे डर दे। वेरी गुड, आई लाइक इट। तुमने बाकी ठीक कहा, कारोबार में पर्दा नहीं होना चाहिए। ले, हम बेनकाब होते हैं। क्या सोच रही हो? कौन हो तुम? मुझे पहचानो जैकी। इस दिन के लिए बहुत सी दुआएं मांगी थी मैंने। मैं बदला अपने मासूम बहन भाई की मौत का इंतकाम हूँ, तुम्हारे हाथों मरने वाली अपनी बेबस माँ का निशान हूँ। डॉक्टर आसिफ का बरसों पहले जिसका तुमने हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया था, लेकिन आज अपने खानदान पर एक एक सुल का हिसाब लूंगी। बहुत अच्छा बोलती हो, हमको भी हिला दिया। टुकड़े टुकड़े कर दो इस मुजोर हसीना के। Ah!
आपने इंसानी हमदर्दी का सबूत दिया है आसिफ साहब। अगर आप बर वक्त उस लड़की को हॉस्पिटल न लाते तो बहुत मुश्किल हो जाती। ये तो मेरे पास है डॉक्टर साहब, ये मेरा कार्ड अपने पास रखे, जब भी मेरी जरूरत हो मुझे फोन कर दीजिएगा प्लीज। जी बेहतर, थैंक यू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बताओ बताओ वो अग्रवाल कहाँ है जिसने मासूम तानिया पर हमला किया? बताओ बताओ, वरना इस क्लब को मैं तुम सबका कब्रिस्तान बना दूंगा। बैंकॉक से फुम्मर, तानिया कहाँ है बताओ, जल्दी बताओ। बोल, हमको कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, पता नहीं है। सुना, अगर वो आए तो उसे कह देना कि प्रिंस के रूप में मौत उसका इंतजार कर रही है। खूनी भेड़िए, मैंने तुझे पहचान लिया है। शराब, कौन हो तुम? तुम्हारा गुजरा हुआ कल करीम खान, जिसे तूने बर्बाद कर दिया था। आसिफ साहब, जिस लड़की को आपने दाखिल कराया था, ज्यादा खून बहने की वजह से उसका बचना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ओके, मैं भी पहुंचता हूं। मन तेरी देवी को तपाया नाम लीदा लजपाली लजपाल। Thank you.
सदका मिल सेवन वाला मावन बचड़े देवन वाला मुर्शद का सेवन वाला मावन बचड़े देवन वाला खून के रिश्ते आप मिलावे हर दुखिया दे रोग मिटावे दिली मुरादा पांदे जेड़े दर्दे पाण दमा दमादम मस्त कलंदे सखी शाबाज कलंदे दमादम मस्त कलंदे सखी शाबाज कलंदे अली दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा बताओ चाची कहां है और उसने तानिया को कहां छुपा रखा है जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हारी आंतें निकाल के जमीन पर फेंक दूंगा जल्दी बताओ चाची किस ग्राउंड में खूने तोड़ा रहा है चाची कहां है मैं यहां हूं मेरे प्यारो आपने अलादीन का चिराग रगड़ा और जिन हाजिर हो गया अब तुम सोचो हमें कितनी मोहब्बत है आपसे मोहब्बत नहीं जैकी ये कहो कि किस्मत घेर कर तुम्हें मौत के सामने ले आई है शराब ले चलो इस फटीचर प्रेस को बहुत पर निकला है इसके शैला शैला बेटी शैला देखो कौन है मैं ये क्या हो गया है ये क्या हो गया है इतनी बड़ी बेवफाई मत करो मेरे दोस्त मत करो आंखें खोल कर देखो करीम खान कौन आया है मेरी बेटी मुझे मिल गई है वो घर आ गई करीम खान जिसे तुम ढूंढ रहे थे उठो मेरे दोस्त उठो इतनी बड़ी खुशी के मौके पर इतना बड़ा दुख मत दो इतनी बड़ी बेवफाई मत करो करीम खान किसने मारा मेरे पापा बताइए कौन है जिसने मेरी छोटी सी दुनिया बर्बाद कर दी मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता किसने किया है मेरे बाप का खून बताइए बताइए काश मैं जानता शमशेर बेटे अरे इस सवाल का जवाब उसकी लाश की सूरत में देता हेलो कौन हो तुम पुराना मेहरबान दुश्मन सर की लाश मैंने तुम्हें तोहफे में भेजी है पसंद नहीं अच्छा बाकी बातें तुम्हारे आने पर होंगी तुम्हारी प्यारी बेटी शैला मेरे घर से मिली उसकी जिंदगी और इज्जत बचाने के लिए सिर्फ 10,00,000 डॉलर चाहिए मगरबी जखीरे में तुम्हारा इंतजार करूंगा
जैकी, मैं वाकई किस्मत का बहुत धनी हूं, वरना तुमसे मुलाकात कैसे होती? कहां है मेरी बेटी? अब तक तो वो हिफाजत में है। 10 लाख डॉलर लाए हो? गिन लो। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो डॉक्टर साहब? हमें आप पर पूरा भरोसा है क्योंकि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मेरे साथियों, डॉक्टर साहब को बड़ी इज्जत के साथ उनके बच्चों के साथ बांधो और बारूदी तारे लगाना ना भूल। मारने वाले कितने हैं, लेकिन तकदीर ने तुम्हें मारने का मौका सिर्फ मुझे दिया है। संभल जैकी, संभल। अब मेरे इंतकाम की बारी है, मेरी बारी है जैकी। Thank you.
कितना बदनसीब हूं मैं। सारी जिंदगी जिसको मिलने के लिए तरसता रहा, वो मिली भी तो जिंदगी की आखिरी।